सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जच्चा बच्चा सरकारी अस्पतालों के लेबर रूम में दम तोड़ रहे हैं। ताजा मामला पीलीभीत से सामने आया है, जहां जिला महिला अस्पताल में 25 वर्षीय विवाहिता ने डिलीवरी के दौरान दम तोड़ दिया, जिसमें गर्भ में ही बच्चे की भी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन अपने ही विभाग की ANM व आशा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि थाना सेहरा मऊ उत्तरी के गाँव सुल्तानपुर की रहने वाली दीपा को प्रसव पीड़ा होने पर पहले CHC पूरनपुर लाया गया, जहाँ से रेफर होकर जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से जहां दीपा की लेबर रूम में ही मौत हो गई, तो वहीं बच्चे की भी गर्भ में ही मौत हो गई। दीपा का विवाह 3 साल पहले हुआ था और यह उसकी पहली संतान थी। उधर अस्पताल का CMS का कहना है कि मृतक महिला में खून की कमी थी, जिसका इलाज पहले होना चाहिए था, उन्हें तो इलाज करने का मौका नहीं मिला। साथ ही ANM व आशा पर सारी जिम्मेदारी लाद दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार गर्भवती महिलाओं में खून की कमी ना हो, इसके लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। साथ ही बाल विकास पुष्टाहार विभाग भी कुपोषण पर सालाना अरबों रुपए अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को लगाकर खर्च कर रहा है, इसके बावजूद जच्चा बच्चा दम तोड़ रहे हैं। इन विभागों पर सवाल निशान खड़े करता है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। तो हम अपने मामा, हमारे बकरी मामा और उनके भाई दोनों हमारे मामा, एक मामा तो यहाँ आ चुके थे, हमारे मामा का लड़का भी आया था, ये प्रधान का लड़का। इन्होंने कहा चलो भैया यहाँ लाए, इन्होंने कहा भर्ती कर लें, भर्ती कर लिया इन्होंने। फिर आशा वहाँ सुल्तानपुर की आशा बोले तो पीलीभीत लेकर डाव भैया प्रबंध करो, हम पैसा टका सब लेकर आए। उन्हें हमने कहाँ लेना है, कहीं जिला अस्पताल ले जाना, ठीक जिसके बाद कहीं ले जाना। हम यहाँ लाए जिला अस्पताल, हमारे सास ससुर भी सुबह सुबह फोन किया, कहीं अल्लाह चलो हम आ रहे हैं, हम इनसे पहले आ गए, हमने और हमारे मामा के लड़के ने अंदर भर्ती करा दी। जिसके बाद उन्होंने हमसे साइन करा लिया, दीपा से अंगूठा लगवा लिया। जिसके बाद दीपा के हमसे हमको अंदर बुलाया, कहीं अंदर से भाग जाओ बाहर। हमने कहा गलती हो गई हमारी, माँ जोर नहीं लगे, हमने हमारी गलती हो गई, हमको बाहर निकाल दिया। फिर बोल दिया दीपा गुजरी हुई लाए हो यहाँ पर। आज हमारे यहाँ पे SDM साहब ने निरीक्षण करने अस्पताल का आई थी, मैं उनके साथ थी, मैं उनको निरीक्षण करा रही थी। इस बीच वो लेबर में डॉक्टर पुष्पापन हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी थी, तो वहाँ पे मरीज को ये पूरनपुर से रेफर किया गया था बहुत गंभीर हालत में, जैसा कि डॉक्टर ने मुझे बताया। और जैसे ही वो मरीज को टेबल पर लिटाया गया, वो एक्सपायर हो गया, उसके मुँह से झाग आ रहे थे लिटाते ही, और वो बिल्कुल पल्स भी नहीं थी उसको। जब राउंड खत्म हो गया, मैं लेबर रूम में आई तो मुझे बताया गया, मैंने फिर पेशेंट को देखा, पेशेंट बिल्कुल सूजी हुई है, बहुत खून की कमी उसको दिख रही है। मुझे वो झाग जो इस तरीके से आ रहे हैं उसके, वो मुझे थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि आते ही टेबल पर एक्सपायर होगी। और पर जो रिश्तेदार है वो इलाज के नाम पर कर रहे हैं। मेरा ये कहना है इतने गंभीर हालत में मरीज एक दिन में थोड़ी हो जाती है, इलाज आपने ठीक से कराया ही नहीं है, है ना। इसको वो यह खून की कमी होगी, हो सकता कोई और भी बीमारी हो जिसका इलाज नहीं हो पाया है, तो उसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है किस तरीके के मरीज क्यों आ रहे हैं अस्पतालों में। क्या ANM लोग आशाएं लोग जाँचें नहीं करा रही हैं टाइम पे, या उनको टाइम पे इलाज नहीं हो रहा है, और जब आते हैं एकदम आते ही कोई एक्सपायर हो जाए, इसमें ये एक दिन में तो होता नहीं ना, आते कोई एक्सपायर नहीं होता इस तरीके से कि हमारी डॉक्टर को बिल्कुल कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अस्पताल में एक लापरवाही से मौत का आरोप लग रहा है, परिवार वाले की कुछ तैयारी हुई है या पुलिस की कोशिश मौके क्या है मामला? पुलिस मौके पे गई थी, पुलिस ने परीक्षण किया, कोई लायना टेस्ट नहीं है। एक तहरीर आई है जिसमें परिवारिक जन द्वारा बताया गया किसी की लापरवाही नहीं है, ब्लड की कमी से उनकी मौत होने की बात बताई जा रही है। क्योंकि मामला मेडिकल विभाग से संबंधित है, तो इस स्तर पे जो मेडिकल टीम है वो जांच करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।